नाम क्या है? लोकेंद्र कुमार सुमन। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? 64 क्वेश्चन के। अच्छा, आपका क्या नाम है? मोहम्मद कैफ। आपका विवेक कैसा हुआ? अच्छा अभी है नहीं, अब हो गया हमारा। हो गया आपका भी? चलिए। अच्छा, आपने जीएस में कोई क्वेश्चन याद हो आपको? जीएस में जैसे संविधान से क्वेश्चन आया था, जैसे अपने संविधान सभा, मतलब संविधान कब अपनाया गया था संविधान? अच्छा। सभा द्वारा। और दो तीन स्टेटिक जीके वाले क्वेश्चन थे। कोई का क्वेश्चन याद हो आपको? जैसे वर्णालू महोत्सव का मनाया जाता है। अच्छा अच्छा, ठीक है। और मैथ्स कैसी लगी? मैथ्स नॉर्मल थी। नॉर्मल थी तो मतलब कैलकुलेटिव तो नहीं है बहुत ज्यादा? नहीं, ज्यादा हार्ड पेपर नहीं है, नॉर्मल है। नहीं, जैसे क्या होता है ना कई बार के पेपर लेंथी वाला सिंपलीफिकेशन कितने थे? चार तीन क्वेश्चन थे सिंपलीफिकेशन। तीन क्वेश्चन और बहुत अच्छा पेपर था। अच्छा पेपर था तो नहीं लग क्या रहा है? कितने क्वेश्चन बिल्कुल कहते हैं ना, कंफर्म होते हैं? 60 लेकिन कट ऑफ तो ज्यादा जा रही है। क्या पता अगर हम पिछली वाली देखें, मेरिट पे पता चलता है कितनी आएगी। नहीं, जैसे अगर हम लास्ट ईयर को देखें, कट ऑफ बहुत हाई गई थी, वैकेंसी भी बहुत ज्यादा थी। इस बार जस्ट हाफ है वैकेंसी, क्योंकि क्या होता है। और अगर इंग्लिश बात करें या हिंदी? हिंदी, हिंदी नॉर्मल थी, सारे कर दिए। कुछ हिंदी में याद हो? हिंदी में जैसे वो एक पैराग्राफ आया था और वो विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द। तो जैसे जो पैसेज आया था वो कैसे, कोई कहानी थी या होली के ऊपर था? मतलब रिक्त स्थान बनने थे, रिक्त स्थान चार थे। कैसे थे मतलब? एक याद हो ये क्यों मनाया जाता है, एक तो ये था, और कौन कौन से धर्म इसको मनाते हैं, एक ये था। जीएस के और कोई क्वेश्चन याद हो किसी को? तो मतलब कन्फर्म पता नहीं है, मतलब। अच्छा, करंट का क्या सीन रहा होगा? दो तीन क्वेश्चन थे बस। दो तीन क्वेश्चन तो मतलब दो तीन क्वेश्चन ठीक है, मतलब 20 टोटल जीएस के 20 क्वेश्चन, तो उसमें दो तीन ठीक रहता है। अच्छा, जो सीरीज वगैरह आई थी वो कैसा, मतलब कैसी कैलकुलेशन थी उसमें? नॉर्मल, ज्यादा हार्ड तो नहीं थी। डिफरेंस वाली थी, स्क्वायर वाली कैसी थी, मतलब आपने अगर किया होगा? स्क्वायर वाली थी और प्लस माइनस वाली भी थी। स्क्वायर प्लस माइनस वाली, चलो अच्छा है। मतलब अच्छा, पेपर में से एक क्वेश्चन मिल रहे थे। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, जो पैसे था, जैसे होता है ना, दो तरीके का पैसे आता है। एक तो होता है कि कहानी पढ़ी उसी से डायरेक्ट मिल रहा है, और एक उसमें मिल रहा था मींस लगाओ, मींस लगाना था, मींस मतलब लगा के फिर हमारे उसमें विलोम शब्द भी लगाने थे किसी ने। अच्छा अच्छा, चलो अच्छा है, बढ़िया, ऑल द बेस्ट आप लोगों ने। अच्छा, ठीक है। तो भाई यहाँ पर देखे आए हमारा आराम कितने कितने? हाँ जी सर, कितने अटेम्प्ट करे आपने? मैंने मेरे 7-8 छोटे, बाकी सारे करे। इजी पेपर था। कुछ क्वेश्चन याद है मैथमेटिक्स में, क्या कहाँ से आया? मैथमेटिक्स में आपका सेलिंग प्राइस हो गया, कोस्ट प्राइस हो गया, और स्पीड डिस्टेंस वाले टॉपिक से आया क्वेश्चन, रेलगाड़ी वाला क्वेश्चन है जैसे। अच्छा, तो उस वाला क्वेश्चन आया। और आपका मैथ में वो आया, क्या बोलते हैं आपका, कि कितने पेन उधार लिए, कितने देने, मतलब कोस्ट प्राइस से प्रॉफिट लॉस ऐसे टाइप आया जा रहा, इसी से आया था। और जी के जी एस में जैसे पूर्व के कौन से न्यायाधीश थे, किस राज्य के, अभी हाल ही में राज्यपाल बने, और एलोरा की गुफाएं कहाँ है, और एक वो भी था कि हाल ही में कौन सा राज कुछ धरोहर है जो विश्व धरोहर में सम्मिलित हुआ, वो वाला क्वेश्चन भी आया था। और रीजनिंग में क्या लेवल था? रीजनिंग इजी थी, अगर आपको जो ABCD के नंबर याद है अपोजिट भी, और वैसे सिंपल वे में भी, तो आप आसानी से वो निकाल सकते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। कितने क्वेश्चन लेते हो ठीक करे होंगे तुम? रीजनिंग में तो 18-20 में सर टोटल। टोटल कि यहाँ पर इतने क्वेश्चन पक्का सही करके आया? लगभग 120 लग रहा है कि आ जाएंगे नंबर। 120 आ जाएंगे? 60 बिल्कुल सही करके आया, तो 120 आ जाएंगे नंबर, इतना कर करा के ठीक हो जाएगा। और नेगेटिव मार्किंग की बात बहुत हो रही है आजकल, कि सब लोग पूछे नेगेटिव मार्किंग क्या रही है, तो क्या लिखा होता है नेगेटिव मार्किंग, कितने नेगेटिव मार्किंग? अगर आपका 4 क्वेश्चन गलत होता है तो 0.25, मतलब 1/8 है कि 1/4 है? 1/4 है, 1/8 है, 1/8 है, 1/8 है। कितने क्वेश्चन किए? 65 अटेम्प्ट करे। ठीक है, तो कितने क्वेश्चन में एक्यूरेसी है पूरी? एक्यूरेसी मतलब जिस हिसाब से अगर 65 करें तो अप्रोक्स उतना होगा, 1 या 2 गलत हो सकता है। ठीक है, तो जीएस के दो क्वेश्चन याद हो? जीएस का था वो एक क्वेश्चन था जो जो हमारी सुनने की जो मेजरमेंट होता है, एसआई यूनिट था उसका, हाँ डेसिबल, हाँ वो था। और हाँ, और मैथ में तो प्रॉफिट लॉस के 2-3 क्वेश्चन थे, प्रॉफिट लॉस के 2-3, हाँ सिंपलीफिकेशन बता रहा हूँ, ऐसे 2-3 थे, और बाकी एवरेज के 2 क्वेश्चन थे। करंट अफेयर में कौन सी चीज योजनाओं से संबंधित? अच्छा, योजनाओं के ऊपर। अच्छा, स्टैटिक पार्ट में कौन सी चीज ऐसी लगी कि मतलब ये रट के जाए बच्चा तो मिलेगा ही मिलेगा? नृत्य, नृत्य, लोक नृत्य, डांस, त्योहार भी आ रहे हैं,
अच्छा बुक 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 वगैरह से भी क्वेश्चन है नृत्य डांस से रिलेटेड आप बता रहे हो और करंट में आपको क्या लगा कितना पुराना करंट सर 2023 का रहा सर 23 का 2023 से ज्यादा होता एक साल से ज्यादा पुराना नहीं करंट के दो अच्छा एक दो परसेंट नहीं एक दो है तो भी क्योंकि कई बार ये नंबर बढ़ेगा आज अभी शुरुआत है ना तो ये हो सकता है आगे चल के 5-6 तक पहुंचे ठीक है ऑल द बेस्ट थैंक यू सभी ऑल द बेस्ट मिलते हैं आने वाले बच्चे आराम से कर लेगा सर तो आपने एक बार पहली बार दिया पहले भी दिया तो इस बार कुछ क्या चीज़ है कैसा लगा आपको बेटर हुआ है चुका है तो आप रुक जाए दो मिनट मेरे दो मिनट ही स्टार्ट कर लिए तो जीएसटी लेवल की आई थी कोई क्वेश्चन याद है पॉलिटिकल हिस्ट्री किसी चीज़ का जनगणना क्वेश्चन आर्टिकल करंट अफेयर कितना आया जैसे हम लोग करंट अफेयर में डाउन करते हैं कितने साल का तो कुछ आइडिया कितने महीने का आया पुराना एक साल का डेढ़ साल का आया एक बेसिक सर छः महीने मतलब मान के चलते जैसे रीजनिंग आप लोगों ने की होगी रीजनिंग में दो तरीके क्या एक लेंथी एक क्या लगता है कैसा नॉर्मल आया तो कितना टाइम लगा आपको करने में 15 और आप इंग्लिश की हिंदी की क्या था हिंदी करी तो हिंदी मैंने सुना ईजी आ रहा है और जैसे बच्चों का नेगेटिव मार्क लेके बड़ा दिक्कत है कि नेगेटिव मार्क कितनी आप तो पेपर देख के आए हो बताओ नेगेटिव मार्क कितनी है 1/8 क्या लगता है पेपर निकल जाएगा कट ऑफ जाएगी क्या आएगी तो अब एक और रिव्यू लेते हैं पेपर का क्वेश्चंस भी देखते हैं कैसे रहे तो जीएस में क्या याद है कुछ हाँ जीएस में आया था संविधान सभा के लिए आया था अच्छा और उसमें डांस आया था फोक डांस पूछे हुए थे ठीक है और कुछ क्वेश्चंस थे जो नहीं हो पा रहे थे मतलब याद नहीं है अभी जीएस में कुछ और याद हो या कोई ऐसी चीज बतानी हो जो बच्चों को कि वो ये चीज लर्न करके जाएं तो डेफिनेटली अगली शिफ्ट में मिल सकता है संविधान सभा के ऊपर काफी ज्यादा क्वेश्चन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को देख के जाए और हाँ। तो क्या डायरेक्ट आर्टिकल से क्वेश्चन आ रहे हैं या कुछ और स्पोर्ट्स के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं स्पोर्ट्स में कैसे किस टाइप क्रिकेट कौन से रिलेट नहीं करता जैसे क्रिकेट पिच पे खेला जाता है ऐसी चीजें आ रही है अच्छा अच्छा और दूसरी चीज फिर रीजनिंग कैसी लगी रीजनिंग थोड़ी सी 3-4 क्वेश्चन थे जो टफ थे बाकी इजी था टॉपिक बता सकते जैसे सिटिंग अरेंजमेंट थे सिटिंग अरेंजमेंट के 3 क्वेश्चन थे और डाइस का 1 क्वेश्चन डाइस का 1 क्वेश्चन नॉन वर्बल कितना आया पिक्चर वाले जो पिक्चर्स वाले 3 क्वेश्चन थे 3 क्वेश्चन थे तो कुल मिलाकर 7-8 क्वेश्चन तो ये होगा सीरीज के 2 क्वेश्चन थे दोनों ही नहीं हुए मतलब ट्राई भी नहीं किया किया बट वो आ ही नहीं रहा बहुत क्योंकि बच्चे तो कह रहे हैं कि डिफरेंस से हो जा रहा है इजी है डिफरेंस से नहीं हुआ नहीं हुआ स्क्वायर क्यूब देख लेते नहीं हो पाया मल्टीप्लाई करने से टाइम ही नहीं लिया तो ओवरऑल मतलब रीजनिंग टफ मैथ्स मैथ्स में मैंने 11 क्वेश्चन करे हैं और मतलब परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस काफी ज्यादा तो क्या मतलब स्टेप था पेपर को अटेम्प्ट करने का आपका पहले कौन सा सब्जेक्ट किया फिर पहले मैंने किया रीजनिंग फिर जीकेजीएस फिर मैथ्स फिर हिंदी अच्छा तो मतलब मैथ्स पहले कर लिया तो यही से तो नहीं ऐसा टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ हो गया यही से हो गया रीजनिंग पहले कर लिया हाँ क्योंकि अमूमन हम लोग कहते हैं जो थ्योरेटिकल पार्ट होता है ना उसको पहले करने से क्या होता है आया तो ठीक नहीं आया तो छोड़ के ही जाना है हमारे को पहले करते ना हमें मोटिवेशन मिलता है इसीलिए हमेशा ये कहा जाता है कि जो थ्योरेटिकल पार्ट होता है उसको पढ़ना आसान होता है अटेम्प्ट करना आसान होता है क्योंकि उसमें हम डायरेक्ट डिसाइडेड होते हैं यस या नो लेकिन मैथ्स और रीजनिंग में क्या होता है ना हम ना आते हुए एक बार को चाहते हैं कि दिमाग लगाएं क्या पता हिट हो जाए और हम साथ बन जाए हिंदी थी। बहुत इजी आ रही है चलो कोई नहीं ऑल द बेस्ट अगली बार एग्जाम दोगे ना हाँ जी तो थोड़े मॉक टेस्ट लगा के देना एकदम से ना यहाँ पे आके दिक्कत है बच्चा डर जाता तो मैंने मॉक टेस्ट दो लगता आइडिया कि मैं क्या करना है क्या नहीं करना तो फिर ना एक जो सबसे बड़ा डाउट है आज बच्चों का कि सर नेगेटिव मार्किंग एक्चुअली में 0.25 जो बोला जा रहा है वो एक्चुअली में वही है कि 1/4 या 1/8 में जो डाउट है
अब देखो जो पेपर दे के निकला है उसे एक्चुअली में पता होगा तो उन्हीं से सुनते हैं कैसी है नेगेटिव मार्किंग के लिए क्या है। एडमिट कार्ड में तो दे रखा है, एडमिट कार्ड में मेंशन नहीं है, बिल्कुल सही बात, 1/8 का। हाँ, और यहाँ पे लिखा है 0.25 मार्क्स लिखा है तो वो 1/8 हो गया, 1/8 हो गया। और पेपर आपने देखा तो पेपर कैसा था? पेपर इजी लेवल, ज़्यादा कैलकुलेटेड सवाल नहीं है, रीजनिंग में प्रॉब्लम हो सकता है, आकृति वाले में रीजनिंग का सीरीज वाले में सीरीज कैसी आई थी, मतलब सॉल्व कर दिए तो मैं पूछूँ तब बनाई हो, दे रखा था, हट भी नहीं पाएगा तब वो आगे मैं बनाऊँगा ना तब बनाई हुई अच्छा नंबर तो मल्टीप्लाई करके और कुछ ऐड लौंडे तो पूरे मजे ले ले ऐसे बोल दे कुछ वाला गया। कितने क्वेश्चन थे फिटिंग लाइन का क्वेश्चन भी बता रहे थे बच्चे लाइन में भी ये लाइन ले रहा हूँ सेकंड शिफ्ट में ना और ब्लड प्रेशर हो गया कोडिंग के कितने क्वेश्चन है उसके लगाओ क्या अच्छा मतलब एक तरीके से पूरा स्ट्रक्चर बना के कितने मेल आए इशारे करने वाला है अच्छा वो समझ गया कोडेड फॉर्म में A+B-C ऐसा वाला अभी मेन टारगेट ये वाले की काम है रिलीज हो गया जीडी वगैरह टीचर में और ठीक है मैथ हो गई पूरी क्या ग्रेजुएशन हो गई पूरी ग्रेजुएशन वो है लास्ट ईयर लास्ट ईयर एक प्राइमेट बन गया रोल अप ठीक है अच्छा एग्जाम करता हूं अच्छा अच्छा तैयारी थी नहीं सर हाँ जो आप पाता है वो नहीं था सबका एग्जाम है अच्छा अच्छा हाँ 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 अच्छा और सिंप्लीफिकेशन के बता रहे हैं सर 0.01 क्या आएगा ठीक है जी एस का जैसे बच्चों को ये भी बता दो कि ऐसा कौन सा एरिया लग रहा है जिसे स्टैटिक पार्ट के आ ही रहा है तो ये बच्चा देख लेगा तो आगे हेल्प सेंसस से भी कोई क्वेश्चन आ रहा था जनगणना होती है उससे भी कोई क्वेश्चन जनगणना से हाँ साक्षरता हाँ वही जनगणना से बच्चे ने बताया तो और डांस वगैरह से भी कोई क्वेश्चन था पूरा करके आया बंदा है पर पूरा करके आया बच्चे ना क्वेश्चन छोड़ के आ रहे हैं छोड़ने वाला नहीं है से गलत है छोड़ेगा और हिंदी या इंग्लिश तो हिंदी में जैसे क्या कहती थी अच्छा ठीक है तो उसके क्वेश्चंस कैसे थे इजी सीधे मिल जा रहे थे अरे वाह 70 पहला बच्चा है 70 आपको बताया अभी तक 60-65 अपन सुन रहे सही बात है तो टॉप जा रहा है ही जा रहा है और इस बार वैकेंसी भी कम है ऐसा पेड़ के लिए से ज़्यादा ही जाना क्योंकि यहाँ पे बच्चे ज़्यादा होते हैं बाकी का हो जाएगा ठीक है चलो ऑल द बेस्ट तो अब जैसे इतना सुन लिया कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो अंदर से क्या फीलिंग आ रही है कि वाले मेरे तैयार हैं कि नहीं तैयार हैं बढ़िया है सर एकदम बढ़िया फिट सब कुछ बढ़िया फिट है तो नहीं वो फिट तो सही है क्वेश्चन कैसे फिट है वही पूछ रहा हूँ मैं हाँ नेगेटिव मार्किंग जैसे कंफर्म हो गई है कि 0.25 है तो अब क्या लग रहा है कि अगर मान लो मेरे को नहीं आ रहा है फिर क्या करेंगे क्योंकि 8 क्वेश्चन गलत करोगे तब जाके एक क्वेश्चन के बराबर का आपका हिसाब किताब गड़बड़ होना है तो क्या सोच रहे हो नहीं तो लगता है कि ये करने की जरूरत है कोशिश लेकिन फिर भी कोशिश ये करना कि अक्कड़ बक्कड़ भी उसी में करना जिसमें लगे कि हाँ दो ऑप्शन बच रहे हैं वहीं पे हाँ बस दो बचेंगे जहाँ ये लगे ना कि चारों आंसर है उस वाले को छोड़ ही देना फिर ठीक है चलो ऑल द बेस्ट दे के आना चाहिए तो देखिए जैसा पेपर जो आज का हो रहा है हम
फाइनली एक कंक्लूजन वीडियो के किस तरीके की चीज़ें आपको देखनी चाहिए, कौन कौन सा पार्ट आपको देख के जाना है, जिससे आप अगली शिफ्ट में या अगले डेज में जब आपका एग्जामिनेशन हो तो आपकी अप्रोच अच्छी हो और सही अप्रोच से आप पेपर करें, ताकि आपके अटेम्प्ट्स जो अभी 60-65 हैं वो इंक्रीज होकर 70-75 या बेटर हो जाएं आपके। तो मैं रीजनिंग का बताता हूँ, सर जीएस का बता देंगे। तो कि रीजनिंग में अगर मैं बात करूँ तो रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन आ रहे हैं और 8 पर्सन तक की सिटिंग आ रही है सर्किल में, तो आपको भैया सिटिंग अरेंजमेंट के 2 से 3 क्वेश्चन लगाने की स्पीड बनानी पड़ेगी, तो प्रैक्टिस कर लेना। सीरीज़ नंबर सीरीज़ के 2 क्वेश्चन हैं, ब्लड रिलेशन के भी 2 क्वेश्चन हैं, और ब्लड रिलेशन जो कोडेड और फैमिली ट्री यानी जो ट्री वाला होता है वो आ रहा है, तो इसका मतलब थोड़ा सा टफ पार्ट है, टाइम टेकिंग वाला है, तो इस पार्ट को आपको देख के जाना, बाकी आप इजीली बना लोगे। जीएस में सर, जीएस में बच्चों से पूछने का पता लगा है कि जो क्वेश्चन आर्टिकल से आ रहे हैं और क्वेश्चन ईजी हैं, वन लाइनर क्वेश्चन हैं, डिफिकल्ट नहीं आ रहे क्वेश्चन। करंट अफेयर अगर बच्चा पूछे तो 1 साल का अगर आप पढ़ के आते हो तो आपको कहीं ना कहीं एक अटैम्प्ट आपके बढ़ जाएंगे। 80 में से अगर आप 60 क्वेश्चन करोगे तो मुश्किल है कि थोड़ा सा, तो 70 के आसपास करने का ट्राई करना। बहुत सारे बच्चे मिले जिन्होंने 60, 65, 68 करे हैं, बट 70 के आसपास क्वेश्चन आपके करोगे तो एक सेफ अटेम्प्ट रहेगा। और एक अच्छी बात ये भी है कि नेगेटिव मार्किंग क्लियरली अब वहाँ मेंशन आ रहा है, जब आप एग्जाम स्टार्ट करोगे तो 0.25 मार्क्स मेंशन है, क्योंकि जब आप इंस्ट्रक्शन वाला पेज आता है ना, जब आप एग्जाम स्टार्ट करते हैं तो वहाँ एग्जाम का पैटर्न और देन नोट लिखे होते हैं कुछ, उसमें मेंशन है। और पेपर का इजीएस्ट पार्ट बच्चे बोल रहे हैं कि हिंदी है, हिंदी है। डिफिकल्ट पार्ट मैथमेटिक्स है और हमेशा होता है, लेंदी भी होता है, सोल्व भी करना होता है। रीजनिंग और हिंदी इजी आ रही है, जीएस तो आप जो बड़ा पढ़ के आएगा भाई वही कर पाएगा, सीधी बात है। तो ओवरऑल पेपर थोड़ा ट्रिकी है, पेपर का पैटर्न भी आप ऐसे ही रखना, हिंदी पहले करना, 5-7 मिनट में सॉल्व हो रही है, देन आप जीएस पे ही जाना, जीएस फिर रीजनिंग और देन मैथ्स पे आना लास्ट में, क्योंकि मैथ्स में थोड़ा टाइम लग रहा है मुंह, ठीक है। तो आप इस स्ट्रेटेजी से आप अगर पेपर दीजिए, डैम श्योर आपका अच्छा अटेम्प्ट होगा। ऑल द वेरी बेस्ट सब बच्चों को।